हाँ तो दोस्तों, मैं विनय कुमार पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जेन्युइन बातों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में, प्रत्येक विद्यार्थियों के जीवन में यह उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आज का मैंने टॉपिक रखा है बुरी संगति से बचो। इसी को मैं बहुत ही कम समय में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बुरी संगति, बुरा आचरण, बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, असामाजिक लोगों से भी बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, कोयले जब अधिक गर्म होते हैं तो हाथ को जला डालते हैं, और वहीं जब कोयले जब ठंड जब होते हैं तो हाथों को काला कर देते हैं, यानी कि दोनों स्थिति में दुखदायक होता है। ठीक उसी तरह से बुरी संगति वाले आपके साथ अगर रहेंगे, आचरण वाले लोग आपके साथ अगर रहेंगे, तो वे तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं और आपको भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ने में हमेशा रुकावट पैदा करेंगे। जिस तरह से वह करें, जिस नीति के द्वारा वह आपको पढ़ने में रुकावट दें, तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कामयाबी को पाना चाहता, बुलंदियों को छूना चाहता, कामयाब होना चाहता। तो क्या दोस्तों, जब आप अपने स्वप्न को रखे हुए हैं, ख्वाबों को रखे हैं, और आगे पढ़ने का जो मन में जो उत्साह जो आपका भरा हुआ है, उस उत्साह को कम होने देंगे, जिसके चलते आप उस तक पहुंच नहीं सकते? इसलिए दोस्तों, आप उस ख्वाब को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करें, कोशिश करें, और जो उसमें रुकावट है, उस रुकावट को अपने से त्याग कर दें, दूर कर दें, और निरंतर कोशिश करते रहें। संगति से ही आपका भविष्य निर्धारित, अगर अच्छे संगति में रहेंगे तो आपका भविष्य जो होगा वह सुनहरा होगा, और बुरे संगति में अगर आप रहेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो सकता। तो ये डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको आबाद होना है कि बर्बाद होना है, भविष्य को सुनहरा बनाना है कि आपको भविष्य को बर्बाद करना, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, संगति, रामायण से मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संगति, बुरा संगति जो है वह हमेशा दुखदायक होता है, उससे इतिहास गवाह है कि बदनाम भी लोग हो चुके हुए बुरी संगति के कारण। मंथरा का जब संगति जब कैकेयी के साथ जब हुआ, जबकि कैकेयी अपने भरत से भी ज्यादा राम को स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की जब संगति जब हुई तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दी, जिससे वह हमेशा के लिए बदनाम हो गई। तो ये जो संगति जो है यह आपको हमेशा बर्बाद करेगी, कभी ये संगति आपको आबाद नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के द्वारा यही स्पष्ट करने आया हूँ कि जो भी आपकी सफलता का बाधक हो, रुकावट हो, उस रुकावट को आप अपने से दूर कर दें। इसके लिए आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, उस रुकावट को दूर करें, उस रुकावट को त्याग कर दें, और जो अपने मन में जो ख्वाब जो रखे हुए, जो स्वप्न जो बचाए हुए, उस स्वप्न को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, तथा मेरे चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ, उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।